हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है BMW M5। तो ये गाड़ी कुछ 1.5 करोड़ का है, सो काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है ये। प्रीवियसली मैंने BMW M4 का भी रिव्यू किया था, तो ये गाड़ी समवॉट सिमिलर लग रहा है उसे, और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। इसका BHP, इसका जो HP है एक्चुअली 552 है, तो उसी हिसाब से हम लोग देखें गाड़ी को, और मेरे को जो भी लगता है गाड़ी के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या है, पहला मैं इसका हेडलैम्प चालू करके दिखाता हूँ। तो इसका हेडलैम्प कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, हम लोग स्लोली गाड़ी के अंदर भी जाके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी दिख रही है ये। पीछे का भी एक डोर दिया गया है, तो चार जन इजीली बैठ सकते हैं इसके अंदर। तो पीछे एक डिक्की भी दिया गया है जिसमें आप सामान रख सकते हैं। तो ये एक फैमिली कार जैसा भी है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। देखिए काम करते हैं, अभी हम लोग ड्राइव लेते हैं। तो ये जो गाड़ी है मेरे पास, ये स्टॉक वाली गाड़ी है। इसका मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ मॉडिफिकेशंस है ही नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा चलाते समय कैसा लग रहा है ये गाड़ी। ठीक है, चलिए टेस्ट ड्राइव चालू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं गाड़ी में हूँ, और काफ़ी प्यारी गाड़ी है। यू कैन सी कि मैं अंदर का व्यू बता रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल BMW का जो फील है वैसा ही है। BMW का लोगो है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। लेफ्ट हैंड ड्राइव होने की वजह से राइट हैंड साइड में मिरर्स है, और एक ऑडियो सिस्टम दिया गया है जिसमें और भी कंट्रोल्स है। उसके नीचे और भी कंट्रोल्स है जिसमें मैं AC वगैरह हैंडल कर सकता हूँ। तो इसके अंदर अभी देखते हैं कि और क्या क्या है, कैसा पावर डिलीवरी है। मैं पहली बार चला रहा हूँ गाड़ी को, तो उसी हिसाब से समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैं BMW M4 चलाया, सो उसके बेसिस में मैं थोड़ा उससे भी थोड़ा बहुत कंपेयर कर लूँगा इस वीडियो में। देखते हैं किस तरह से फील आता है। एक काम करते, इसका जो फायरिंग साउंड है वो सुन लेते। ठीक है, पहला ब्रेक दबा देता हूँ और मैं एक्सेलरेटर दबा रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो BMW M4 का जो साउंड है, मुझे पर्सनली इससे अच्छा लगा। इसका भी साउंड काफ़ी एग्रेसिव है मैं बोलूँ तो। ठीक है, एक टेस्ट ड्राइव पे जाते हैं हम, फर्स्ट गियर पे। इसका जो गियर्स है स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही है। ठीक है, मैं ये घर के बाहर निकलता हूँ, तो रोड पे ये कुछ इस तरह से दिखती है ये गाड़ी। इसका भी साउंड काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन जो BMW M4 का मुझे पर्सनली ऐसा पसंद आया। आपको जो पर्सनली पसंद है वो बताइए कमेंट्स में। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं गाड़ी मेरे सामने वाली कौन सी है। एक काम करते हैं, आप गैस करो कमेंट्स में, आप गैस करो कि सामने वाली गाड़ी कौन सी है। तो थोड़ा और फास्ट जाते हैं अभी हम लोग। एक काम करते हैं, हम लोग जो नज़दीक वाला जो हाईवे है उस पर जाते हैं, फिर बाद में मैं आपको टनल साउंड सब कुछ सुना दूंगा। तो इसका परफॉर्मेंस समवॉट सिमिलर है देन टू द M4।
कंट्रोलिंग अच्छा है इसका। इसका हैंडलिंग एकदम भी एकदम मतलब परफेक्ट नहीं है। जो M4 थी मेरे को उसका पर्सनली अच्छा लगा। अभी M4 के अंदर भी M4 GTS वगैरह भी एक्सीडेंट हो गया। इसे आप देख सकते हैं जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ये गाड़ी। जो M4 जो गाड़ी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है BMW M5 से, और ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से ऐसा रोड पे जो उसका जो कंट्रोलिंग है अच्छा हो जाता है। बिकॉज दबाव वाली गाड़ी में ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है। एनी डे BMW M4 का हैंडलिंग इससे अच्छा ही था। चलो अभी हाईवे पास में इनसाइड व्यू है। ये स्पीड पे चलाने पे काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ता है, नहीं तो इस तरह से हम लोग ऑफ ट्रैक जा सकते हैं। ये मतलब इसका जो टायर्स है इसमें थोड़ा सा स्लिपरी है। ठीक है, काम करता हूँ मैं वापस रोड पे जाता हूँ। भी अंधेरा होने वाला है। अंधेरे में आप देख सकते हैं इसके पीछे से जो फायरिंग निकलती है सच में देखने लायक है। एक बार दिखा दे रहा हूँ। आपका जो फेवरेट गाड़ी हो कमेंट में डाल दीजिए, उसके भी एक बना दूंगा रिव्यू। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं हाईवे में हूँ और काफ़ी अंधेरा भी है। तो टनल आ गया है,
तो टनल से हम आपको फाइनली सुना दूंगा। तो हम लोग गाड़ी को बाजू में लगाते हैं इधर। काफी खतरनाक आवाज है कि नहीं? काफी जबरदस्त आवाज है। रिकैलकुलेटिंग रूट। यार एक टनल आ गया अभी। ठीक है, काम करते हैं हम लोग हाईवे पे है, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कितना टॉप स्पीड है ये गाड़ी का। ठीक है, एक ड्राइव कर देते हैं। तो देखते हैं, वी विल कीप एन आई ऑन द स्पीडोमीटर, देखते कितना है। तो अभी 77 माइल्स 1900। देखते हैं मैं कितना फास्ट जा सकता हूँ, मैक्सिमम स्पीड कितना एडजस्ट कर सकते हैं गाड़ी का परफॉर्मेंस। फिर लग रहा है 193 इसका टॉप स्पीड है। एक्चुअली और एक गियर है, सॉरी 194। आप देख सकते हैं कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ये। इसका टर्निंग इतना नहीं है जितना दूसरी गाड़ियों का। टर्निंग कंट्रोल इसका थोड़ा कम लगा मुझे। तो जैसे आपने देखा 194 माइल्स का स्पीड अचीव कर पाया। ठीक है, गाड़ी को बाजू में लगा लेता हूं अभी। दोस्तों यही था रिव्यू, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वर्चुअल रिव्यू। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर दीजिए, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इन केस आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।